तो हम बना रहे डस्टबिन के लिए पेपर का बैग, ब्लॉगिंग सेटअप का माइक। तो ये है माइक जो ये दिख रहा है। फाइनली मेरा पास्ता आ गया है जिसको खाने की मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। अच्छी लगा है, ये शिमला दिख रहा है यहाँ से। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज मैं पहले तो आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ, वो जो मैंने रिसेंटली सीखी है और मुझे काफी सही चीज लगी वो, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे न्यूज़पेपर और हम क्या बनाने वाले, इससे हम बनाने वाले हैं डस्टबिन के लिए पेपर का कवर। मतलब हम प्लास्टिक यूज करते हैं ना, वैसे मैं तो नहीं करती थी पर, लेकिन मैंने फिर इसके बारे में वीडियो देखी। तो हमें पहले लेना है न्यूज़पेपर, क्योंकि प्लास्टिक के बैग्स यूज करना ज्यादा ठीक नहीं है। वो आपको पता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज होती है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक हो गया है और पोल्यूशन हो रहा है। आई थिंक हमारे डस्टबिन के लिए पेपर का बैग, इसके लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर, फुल लेंथ न्यूज़पेपर लेना है, ऐसे चौड़ा इतना। इसके बाद क्या करना है हमें, ये वाला कॉर्नर लेके हमें इसको हमें यहां से इस तरह से फोल्ड करके इसको लाना है यहां तक, यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया एक साइड से ऐसे, ठीक है। फिर इसको थोड़ा ऐसे घुमाना है, मतलब जहां से सीधी वाली साइड बचेगी, इस तरह से इसको घुमाना है यहां के लिए। इसे करना है इधर, ऐसे, और फिर जो ये वाली साइड बचेगी इसको रैप करना है इधर। इधर से क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा ना। और अब इसे हम खोलेंगे, अंदर से बिल्कुल डस्टबिन टाइप बन जाएगा, ये लग रहा है डस्टबिन जैसा अंदर से। तो अब इसको रखेंगे डस्टबिन के अंदर और फिर ये हमारी डस्टबिन की कवरिंग हो जाएगी। अब इसको डस्टबिन को पहनाते हैं। तो ये डस्टबिन है, अब इसको हम इसमें डालेंगे और जो हमने डस्टबिन बनाया था उसके इसमें चला गया। अब हमारा ये बैग इसके लिए बनके तैयार हो जाएगा, तो हम इसको है ना डस्टबिन के अंदर डालेंगे और इस तरह से हमारा डस्टबिन पूरी तरह से कवर हो जाएगा और गंदा नहीं होगा। फिर कूड़ा हम इसके अंदर ही डालेंगे और जब हम डस्टबिन खाली करेंगे तो डस्टबिन साफ का साफ रहेगा और प्लस पॉलीथीन भी यूज़ नहीं होगा। तो ये बहुत सही चीज़ लगी थी मुझे, क्योंकि पेपर वैसे भी पड़े ही होते हैं घर पर। सो वेलकम बैक वंस अगेन, क्योंकि मैं आज काफ़ी दिनों बाद शूट कर रही हूँ। पिछला व्लॉग ऐसे ही छोड़ दिया था आधा और उसके बाद कुछ शूट नहीं किया, और पर आज मेरे पास शूट करने के लिए कुछ खास चीज़ है, मतलब इट्स अ गिफ्ट। और आज हम करने वाले हैं, एक पार्सल आया है मेरा और आज हम करेंगे इसको अनबॉक्स और आज देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैसे मैं बता देती हूँ, इसके अंदर माइक है, माइक मंगवाया था मैंने तो वो आ गया है, और अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि माइक के साथ और विदाउट माइक वॉइस कितनी आती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम इस छुरी से। मुझे मिला है ये, इसके अनबॉक्सिंग के बाद ये कुछ इस तरह से मुझे मिला, इसमें बेगी और से है इसके अंदर। तो ये है अपना माइक, इसको सीधा कर देते हैं। तो ये है मेरा माइक, जो नया माइक आ गया है, बोया BYMM1 है। और अब इसको खोल के देखते हैं। तो ये है पूरा ब्लॉगिंग साथ ये चीज़ें मिली हैं, ये पूरा सेटअप है, ये इसकी गाइडलाइंस होगी शायद, पर ये चीज़ है जो मेन चीज़ है। तो ये है हमारा, वो हैवी है यार अपना, वो नहीं है, ये तो फिर विंडशील्ड लगा के दिया है इन्होंने, वो निकालूँ कैसे, ऐसा नहीं हो इसका कबाड़ आज ही कर दूँ। तो ये है माइक जो ये दिख रहा है, इसके साथ ये दिख रहा है क्यूट सी चीज़, ये इसका विंडशील्ड होती है, जैसे जहाँ कभी ज़्यादा हवा होती है तो अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे इसके साथ तो हवा की उतनी वॉइस नहीं आएगी और वॉइस क्लियर आएगी। माइक काफ़ी हैवी है, ऐसा लग नहीं रहा था मुझे कि ज़्यादा वो होगा, काफ़ी अच्छा माइक लग रहा है मुझे। माइक को, माइक होल्डर है ये, इसको यहाँ
इस जगह पे लगेगा ये। तो ये है इसके साथ जो माइक ऐसे अटैच होगा। पर सच बात बताऊँ, जो मेरे पास ट्राईपॉड है ना, जो भी मैंने लगाया है उसके ऊपर माउंट नहीं है, तो ये चीज़ मुझे देखनी, फिगर आउट करनी पड़ेगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। ओह, ये इसका बैग है माइक रखने के लिए, बोया का, इसमें माइक रखेंगे। सिलिका जेल और ये वायर, इसकी टेस्टिंग देखते हैं। अभी तो मेरी नॉर्मल वॉइस आ रही है, जितनी भी वॉइस आ रही है वो फ़ोन के माइक के थ्रू आ रही होगी। अब हम माइक लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि वॉइस में आता है कुछ फ़र्क या नहीं आता है। तो मेरे फ़ोन में ना 3.5 mm जैक नहीं है, और जिस वजह से मेरे फ़ोन में लगेगा नहीं। पर लेकिन मेरे पास ये चीज़ मिली थी मुझे फ़ोन के साथ, तो ये 3.5 mm की जो ये होती है तो ये लग जाएगी, इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। पर इसमें लिखा है कि ये वाली जो वायर है ये है आपके कैमराज वगैरह के लिए, और ये वाली है स्मार्टफोन के लिए। मैंने अटैच कर दिया है माइक इसके साथ, और फेस मेरी तरफ ही है। मुझे नहीं पता कि अब कितनी वॉइस आ रही होगी, आई होप ठीक ठाक ही वॉइस आ रही होगी अब, क्योंकि कुछ तो फ़र्क दिखना चाहिए ना माइक से। और अब करते हैं विंडशील्ड अटैच, फिर देखते हैं इसके साथ कितनी वॉइस आती है। हवा तो चल नहीं रही है, तो हवा तो जब कभी बाहर जाऊँगी तब पता चलेगा इसका कि इसकी टेस्टिंग किस तरह से होगी, पर अभी भी चेक कर लेते हैं। तो पहले जो मैंने इसमें वायर अटैच की थी वो थी ये वाली, पर इसमें लिखा है कि ये कैमरा वगैरह के लिए है, और तो मैंने अभी दूसरी स्मार्टफोन वाली वायर अटैच कर दी है। और देखते हैं अब, इस मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा इसके लिए, तो सोच रही हूँ कल बाज़ार जाके देखती हूँ, अगर मुझे कुछ मिल गया इस तरह का तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा, और मुझे इसकी डायमीटर्स देखनी पड़ेगी कितने की। मुझे इसका बैग भी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा बैग है। तो ये है मेरा ट्राईपॉड, तो देख सकते हो आप, इसमें यहाँ पे माउंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो मुझे ये वाला पोर्शन, इसका इतना सा पोर्शन अलग से लेना पड़ेगा ताकि मैं इसको अटैच कर सकूँ। और शिमला में बहुत ठंड हो गई है, और सर्दियाँ शुरू हो गई है यहाँ पे, मे बी नेक्स्ट टाइम जब बारिश वगैरह होगी तो डायरेक्ट स्नोफॉल भी हो सकता है, दिसंबर लगने वाला है। तो अगर किसी को बर्फ़ देखनी हो तो शिमला आ सकता है। मैं भी इसीलिए पैक हुई, बीच में थोड़ा बीमार हो गई थी तो उस करके मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई, और अब मैं ठीक हूँ, अब वीडियोस बनाऊंगी घर। एक्चुअली मैं घर जा रही हूँ एक दो दिन में, तो उसके बाद गांव से ही वीडियोस। तो ये है माइक, फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये लेना पड़ेगा इस। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट स्पेशल उस माउंट को देखने, क्योंकि कल मुझे घर जाना है, और अगर आज नहीं देखा तो फिर पता नहीं मुझे टाइम लग जाएगा, अगर फिर यहाँ शिमला में नहीं मिलता तो फिर ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा। तो अभी मैं पहुँची हूँ मिडल बाज़ार, और अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि मुझे कोई शॉप में मिल जाए। ऊपर बर्ड्स उड़ रहे थे, तो शॉप में तो मुझे वो चीज़ नहीं मिली, अब मुझे कोई और शॉप देखनी पड़ेगी। तो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो शिमला में कहीं भी नहीं मिली, अब मुझे ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ेगी। और बादल देखो ऊपर कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी रेलवे ट्रैक पे 103 में, मैं 103 आ गई हूँ, और यहाँ पर रीटा का वेट कर रही हूँ, वो आ रही है और राहुल भी आ रहा है। तो क्योंकि कल मैं घर जा रही हूँ तो हमने सोचा था हम लंच साथ में करेंगे आज, कुछ मेरी डिमांड थी कि मुझे कुछ खाना था, मुझे पास्ता खाने का बड़ा मन हो रहा था, तो आज पास्ता खाएंगे। और तो अभी तो मैं रेलवे ट्रैक आई हूँ, अब मैं यहाँ पे उनका वेट करूँगी, फिर रीता आएगी, फिर राहुल आएगा, फिर यहाँ पे 103 जगह का नाम है, जो ऊपर जगह दिख रही है इसका नाम है 103। तो मैं हूँ अभी 103 में, और वो लोग भी आने वाले ही होंगे। मैं सोच रही हूँ यहाँ बैठ जाऊँ, धूप भी सेक लेती हूँ थोड़ा। ये आई रीता मैडम, मुश्किल से चल रही है, ऐसा क्यों हो गया था साथ? यस हाई, बहुत सुंदर लग रही हो तुम तो। इसलिए बोलिए मुझे बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं, क्या मैं सच में सुंदर लग रही हूँ? हेलो हेलो हेलो, होटल का है? हेलो हेलो, वो तो परे को है। अच्छा मुझे दिखा था एक फर, अभी हमें राहुल का वेट भी करना है, राहुल भी आ रहा है। अभी राहुल भी आ गया है, और राहुल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। क्या इसको तकदीर को खाते ही दिखाऊं, खाई तो राय तू। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, 103 कैफे आए फिर से, ये तो बहुत अंधेरी आ रही है। फाइनली मेरा पास्ता आ गया है, जिसको खाने की मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, फ्रेंच फ्राइज और पास्ता।
जाओ आगे प्लेट। क्यों? तो अभी खा के निपट चुके हैं हम और अभी थोड़ी देर बाहर आए हैं, यहाँ बैठते हैं और ये जगह है। क्या टूटेगा तो नहीं? नहीं मैंने ये देखो यहाँ पे किस तरह से है। अरे आपकी गर्ल फ्रॉम नॉर्थ, बोलिए मैडम जी कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिछली बार आई थी पहली बार, आज सेकंड टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे और अच्छी जगह है। ये शिमला दिख रहा है यहाँ से। हम चल पड़े यहाँ से वापस। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन प्रेस करके जाएं ताकि आपको अगर मैं कोई भी अब नई वीडियोज अपलोड करूं तो आपको अपडेट मिलती जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जा रही हूँ एक दो दिन में तो उसके बाद गाँव से ही वीडियोज बनाऊंगी। ओके 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 बाय। ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको